सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम हैं आइसलैंड में, और हम आइसलैंड में एक वाटरफॉल के यहाँ पे जाने वाले। सो मैं शिप से निकल चुका था ऑलरेडी, मैंने बोला चलो आगे जाके स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये यहाँ का एक चर्च। और गाइस, इस जगह का नाम है ग्रुंजा फजोर, काफ़ी डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने के लिए, बट या अभी जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे मेरा सेकेंड टाइम है एक्चुअली, मैं पहली बार आ चुका हूँ मेरे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में, लास्ट शिप के साथ। सो जैसे कि आप न्यू प्लेस जाते हो तो अच्छी आप एक्सप्लोर करते हो, बट आप वापस वही सेम जगह पे आते हो तो आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो उस जगह को। बट लास्ट टाइम मैंने साइकिलिंग नहीं की थी, मैंने जस्ट वॉक किया था। तो आज मैं जाऊँगा एक्चुअली वाटरफॉल के यहाँ पे, और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊँगा। सो या चलो चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आई थिंक गेस। या जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, आज का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। ये आई थिंक स्कूल है या फिर एक म्यूज़ियम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक स्कूल है ये। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे। कुछ तो ऐसे देखने के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है, जैसे कि आप सिटी वगैरह में जाओगे तो काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं देखने मिलता, बस शॉपिंग करने के लिए दिखता है। और वाटरफॉल के यहाँ पे पहुँचने वाले, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे अच्छे हाउसेस हैं, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे आपको। सो या बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं रास्ते पे साइकिलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा डर तो लग रहा है बट कोई नहीं, कर लेंगे अपन। सो ये है यहाँ का नज़ारा। और वो है वाटरफॉल वहाँ पे। जैसे कि गाइस, डर एक ही चीज़ का है कि कोई ठोक वोक ना दे, बाकी तो अपन कर लेंगे जो करना है। लेकिन और ये क्या है, ये है कीप गेट क्लोज। हाँ, लगता है ये घोड़े लोग के लिए, घोड़े लोग भाग जाते हैं उस साइड उस साइड, बट आगे भी कुछ है। सो इसी के साथ गाइस, वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके हम निकल पड़े अपने शिप की ओर। कुछ 5 किलोमीटर और साइकिलिंग करना था, क्योंकि अप्रॉक्स 10 किलोमीटर्स था अप एंड डाउन। सो अभी हम निकल पड़े हैं, और इसी के साथ साथ आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी था तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। सो मिलते हैं मेरे